मॉड्यूल सेवेंटी थ्री पैरोमेनिया पैरोमेनिया इज अ डिसर इन विच चाइल्ड फेल्स टू रिजिस्ट हिज और हर इम्पल्स टू सेट अफायर दो ही डज नॉट हैव एनी एक्सटर्नल और इंटरनल मोटिव टू डू दैट ही इज़ डूइंग दैट ओनली इन ऑर्डर टू रिलीव हिज टेंशन सो पैरोमेनिया जो है जब हम इस डिसडर की बात करते हैं तो बेसिकली Uh, ये ऐसा डिसऑर्डर है जिसका ऑनसेट जो है वो चाइल्डहुड में होता है एंड ऑलवेज़ रिमेंबर कि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि पैरोमेनिया का जो ऑनसेट है uh, वो आफ्टर चाइल्डहुड हो यानी जाकर एडल्टहुड में हो सेकेंडली uh, जो पैरा uh, पैरोमेनिया है इसके बारे में ए, तीन चीज़ें हैं जो आपने जहन में रखनी है नंबर वन Uh, इसमें uh, जो बच्चा होगा उसकी जो इम्पल्स टू सेट ऑफ फायर होगी उसको रेजिस्ट करने में उसे प्रॉब्लम होगी सेकेंडली uh, वो जहाँ पे भी फायर लगी होगी उसको वॉच करने में उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होगा और वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट से उन चीज़ों को देखेगा थर्डली uh, जो बच्चा है उसको टेंशन फील uh, होगी बिफोर सेटिंग द फायर और जिस वक़्त वो फायर सेट कर लेगा उसके बाद वो रिलैक्स फील करेगा या एक्साइटेड फील करेगा तो पैरोम पैरोमिया की आ, जो करेक्टरिस्टिक है वो ये है कि ये ऑब्सेसिव इन नेचर होता है एंड इम्पलसिव इन नेचर होता है ऑब्सेसिव इन नेचर कैसे होता है कि जो थॉट है कि मुझे फायर सेट करनी है वो बच्चा बार बार उसके जहन में आएगी जिसको वो रिजिस्ट नहीं कर पाएगा द सेकेंड थिंग कि वो इम्पल्सिव है मिसाल के तौर पर अगर उसने मैच देखी हैं फायर स्टिक्स देखी हैं तो वो फ़ॉर उनको लेके उनसे फायर सेट करने की कोशिश करेगा तो दिस इज़ समथिंग विच यू नीड टू बी रिमेंबर और फिर जब वो फायर सेट कर लेगा तो उस एक्टिविटी से उसे ग्रेटिफिकेशन मिलेगी वाई वी आर इंसिस्टिंग ऑन ग्रेटिफिकेशन बिकॉज इट डज़ नॉट हैव एनी अदर एक्सटर्नल मोटिव एक्सटर्नल मोटिव की जब हम बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो ऐसा फायर इसलिए सेट नहीं कर रहा क्योंकि उसे कोई गेंस चाहिए मोमेंट्री गेंस चाहिए वो फायर इसलिए सेट नहीं कर रहा क्योंकि उसको किसी भी किस्म की कोई क्रिमिनल एक्टिविटी जो है उसको हाइड करना है या वो अपना एंगर एक्सप्रेस करने के लिए ऐसा नहीं कर रहा इसके साथ साथ वो ऐसा इसलिए भी नहीं कर रहा कि उसे कोई अपने सरकम इम्प्रूव करने हैं यानी कोई इंश्योरेंस की जो रकम है उसके लिए उसने क्लेम uh, करना है दैट्स वाई ही और शी वांट्स टू बी आए और इसके अलावा कोई डिल्यूजन या हलूसिनेशन के रिस्पॉन्स के अंदर भी वो फायर uh, सेट नहीं करा अब जब हम कह रहे हैं डिलूजन और हलूसिनेशन के रेस्पॉन्स में भी वो फायर सेट नहीं कर रहा तो इसका क्या मतलब है इसका मतलब ये है द चाइल्ड डज नॉट अ एनी फॉर्म बिलीव टू सेटाफाई और इज नॉट लिस्म डायरेक्शन फॉर सेटिंग ठीक है यानी उसके ऑडिटरी हलुसिनेशन नहीं हो रहे उसको कोई कमांड कर रहा है कि दट चाइल्ड शुड गो एंड सेटाफाई इसी तरह उसको कोई डिलूजनल बिलीव नहीं है कि आई आई बिलीव दैट इफ आई विल गो एंड सेटाफाइड दैन समुड है तो जो बिलीव है वो आप उस बच्चे के अंदर नहीं है फिक्सड फॉर्म बिलीव विच इज़ अनशेकेबल जो कि डिलुजन की डेफिनेशन uh, है वो उसके अंदर नहीं है और इसी तरह उसके अंदर हलूसिनेशन नहीं है जिनके रिस्पॉन्स के अंदर वो फायर सेट कर रहा है इसी तरह उसके अंदर किसी किस्म की इंटलेक्चुअल डेफिशेंसी नहीं है यानी इंटलेक्चुअल डेफिसिट वो बचा नहीं है जिसकी वजह से वो ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो रहा है कि उसको आइडिया ही नहीं है कि ये हार्मुल एक्टिविटीज़ हैं तो देयर आर सर्टन थिंग जो कि पैरा पैरोमेनिया के अंदर मेनली एग्जिस्ट नहीं करती इन बच्चों का सिर्फ और सिर्फ मोटिव ये होता है कि ये फायर से बहुत ज़्यादा फैसिनेट होते हैं और ये उस फायर को फैसिनेट होने की वजह से जब भी इनको टेंशन फ़ील होती है तो ये उसको सेट करते हैं और फायर सेट करने के बाद दे फ़ील दम सेल्फ एक्साइटेड और दे फील दम सेल्फ़ तो जब भी आप इस तरह का कोई केस देखें तो वो आपको पैरोमेनिया की तरफ लेकर जाएगा सेकेंड थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो आपने ख्याल रखना है वो ये है कि आरोसेन एंड फायर सेटिंग ये जो चीज़ें हैं फायर सेटर्स जो हैं ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं एरोसोना जो है वो कोई ना कोई क्रिमिनल एक्टिविटी होती है वो क्रिमिनल एक्ट है जिसके तहत लोग फायर सेट करते हैं इसी तरह जो फायर सेटर्स हैं वो भी समाइम विद क्रिमिनल एक्टिविटी एंड समाइम विदाउट क्रिमिनल एक्टिविटी बट विद इंटेंशंस जो हैं वो इस किस्म के काम जो हैं वो करते हैं जो uh, पैरोमेनिया uh, का बच्चा होगा वो बेसिकली जिस वक़्त फायर सेट करेगा तो उसके अंदर एक इम्पल्स होगी और एक ऐसे बिलीव्स होंगे जिनको वो रिजिस्ट नहीं कर पा रहा होगा और वो उसकी वजह से फायर सेट करेगा थैंक यू